हाई स्पीड रेलवे। वैसे तो इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट जो रेलवे सिस्टम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा के लिए बनाई गई हो उसे जनरली हाई स्पीड रेलवे बोला जाता है। दुनिया में अब तक सिर्फ 16 देश ही ऐसे हैं जिनके पास हाई स्पीड रेलवे हैं, जिसमें से चाइना में दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जिसकी लंबाई करीब 27,000 किलोमीटर है। उसके बाद जापान, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों का नंबर आता है। दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन जापान में 1964 में चलाई गई थी, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसका नाम बुलेट ट्रेन इसलिए रखा गया क्योंकि इसका फ्रंट या आगे वाला हिस्सा बुलेट की शेप जैसा है। बुलेट ट्रेन्स और नॉर्मल ट्रेन्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि नॉर्मल ट्रेन्स चलने के लिए व्हील्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि बुलेट ट्रेन्स चलने के लिए मैग्नेट्स का इस्तेमाल करती हैं। इस कंसेप्ट को मैग्नेटिक लेविटेशन भी कहा जाता है, जिसमें ट्रेन को मैग्नेट्स का यूज़ करके पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन्स में व्हील्स होते ही नहीं हैं। जब भी ट्रेन्स एक्सेलरेट, डीएक्सेलरेट या अपनी रफ्तार एकदम कम या कम से ज़्यादा करती हैं तो उसके व्हील्स बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही वो एक सेट स्पीड पर वापस पहुंचती है तो वो हवा में उठ जाती हैं और अपने व्हील्स को अंदर कर लेती हैं। इंडिया ने 2017 में देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन को अनाउंस किया था, जब जापानीज पीएम शिंजो एबे इंडिया विजिट पर आए थे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे ने ये अनाउंस किया था कि देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इस 508 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और बुलेट ट्रेन को बनाने का खर्च लगभग 1.10 लाख करोड़ का है, यानी 1,10,000 करोड़, जिसमें से 88,000 यानी 88,000 करोड़ खुद जापान ने लोन के रूप में ऑफर किया है 0.1% की इंटरेस्ट रेट पर। इस लोन की रिपेमेंट इंडिया को 50 साल के अंदर करना होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की डेडलाइन पहले 2022 रखी गई थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन या ज़मीन खरीदी में हुई देरी और कोरोना वायरस की वजह से डेडलाइन पर इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो पाना मुश्किल लग रहा है। जहां 2017 में देश की पहली बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई थी, वहीं 2021 के रेल बजट में 12 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई है। जो नए रूट्स बुलेट ट्रेन के लिए चूज़ किए गए हैं वो हैं दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर, वाराणसी पटना, पटना कोलकाता, हैदराबाद बेंगलोर, नागपुर वाराणसी, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, पटना गुवाहाटी, अमृतसर जम्मू, चेन्नई मैसूर। अब इन प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ही ऐसी है जो हाल फिलहाल के आने वाले सालों में दिख सकती है, क्योंकि बाकी के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन 2031, 2041 और यहां तक कि 2051 तक रखी गई है। जैसे कि वाराणसी पटना की डेडलाइन 2031 तक रखी गई है, तो हैदराबाद बेंगलोर की 2041 तक और मुंबई नागपुर की 2051 तक। इन प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन इतने सालों बाद रखने की कई रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक मेन रीज़न हो सकता है पैसा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं और इनमें एक साथ काफ़ी खर्च नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 12 नए बुलेट ट्रेन को बनाने में लगभग 15 से 16 लाख करोड़ तक का खर्च आ सकता है। ये अमाउंट कितना है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल देश का बजट 34,83,236 करोड़ का रखा गया है, यानी 34,83,236 करोड़ का। इन प्रोजेक्ट्स का खर्च बजट के 43 से 44% यानी 43 से 44% तक का है। वैसे ये खर्च एक ही बार में नहीं किए जाते, या ऐसा भी नहीं होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरे पैसे पहले ही रिजर्व कर लिए जाते हों। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे गवर्नमेंट खर्च करती है। अभी जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है वो जापान की E5 शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। फ्यूचर में बनने वाली बुलेट ट्रेन्स या मैगलेव ट्रेन्स नॉन जापानीज टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड हो सकती हैं, जिससे इसके कॉस्ट को कम किया जा सके। जापानीज हाई स्पीड रेल के अलावा TGV POS जो कि फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेन है और हार्मनी CRH380A जो कि चाइना की हाई स्पीड ट्रेन है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन
यानी दुनिया की सबसे तेज ट्रेन की रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें जापान की L0 सीरीज मैगलेव ट्रेन जो कि 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है वो नंबर वन पे है। उसके बाद फ्रांस की TGV POS जो 574 यानी 574 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। चाइना की CRH380A हेक्सी जो 486 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। उसके बाद फिर से चाइना की ट्रेन, साउथ कोरिया की हेमू, उसके बाद इटली का नंबर आता है। रिसेंटली चाइना ने अपना एक और हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप यानी जो अभी शुरुआती स्टेज में है उसकी एक वीडियो रिलीज कर ये क्लेम किया है कि उन्होंने इस ट्रेन से 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव किया है और चाइना इस प्रोटोटाइप को 2022 तक कमर्शियली प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा है। दिल्ली से अहमदाबाद की दूरी ट्रेन से 950 किलोमीटर यानी 950 किलोमीटर की है जिसे कवर करने में मिनिमम 13 घंटे का समय लगता है। सोचिए अगर आप 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे कवर कर पाएं तो इसी दूरी को आप लगभग 2 घंटे 50 मिनट में कवर कर सकते हैं यानी 3 घंटे से भी कम समय में। हाई स्पीड ट्रेन के हमारे ट्रेवल टाइम को सेव करने के अलावा भी कई और फायदे हैं जैसे कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी फायदा होता है क्योंकि फास्ट और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है इंस्टेड कि वो अपनी पर्सनल व्हीकल्स को बार बार यूज़ करें। जितने कम व्हीकल्स रोड पे होंगे उतना कम पोल्यूशन होगा और रोड्स पे लगने वाले जैम्स में भी काफ़ी कमी आएगी। एफिशिएंट और फास्ट ट्रेन्स एक कंट्री की ऑयल पे डिपेंडेंसी भी काफ़ी हद तक कम कर देती है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। और तो और अच्छे ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी का भी काफ़ी बूस्ट मिलता है जैसे कि कई सारी ग्लोबल कंपनीज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वहाँ अट्रैक्ट होती और वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। अभी 2021 तक इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड आज के टाइम पर कुछ खास नहीं है, एज अ कंट्री ये स्पीड इम्प्रूवमेंट है बट वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन में ये कुछ खास नहीं। हमें इस स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ाने की ज़रूरत है। बुलेट ट्रेन्स के इंडिया में बन जाने के बाद ये कंट्री के लिए एक अचीवमेंट होगा बट इसके अपने चैलेंजेस भी हैं जैसे कि इसकी टिकट प्राइसिंग जिसे अफोर्डेबल रखना होगा ताकि ये कॉमन पब्लिक के रीच में हो। बाकी एक चैलेंज ये भी है कि क्या फ्यूचर में प्लान्ड बुलेट ट्रेन्स रियली बन पाएगी क्योंकि जैसा कि हमने देखा किसी किसी रूट की डेडलाइन 2050 तक भी रखी गई है। अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो कहीं वो इस प्रोजेक्ट को रोक या टाल ना दे क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इंडिया में कि गवर्नमेंट चेंज होते ही प्रोजेक्ट्स या तो अटक जाते हैं या उसे बंद कर दिया जाता है जैसे कि अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला जहां पर गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से महाराष्ट्र साइड से बुलेट ट्रेन का काम काफ़ी पीछे चल रहा है। एनीवेज वी होप फॉर द बेस्ट कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी बने और पब्लिक को इसे यूज़ करने का मौका मिले। थैंक यू।